सुबह की पहली शुरुआत और आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे लिखा है डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टाइड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। ये हमारा मोटिवेशनल वो है, आपको पता यहाँ से दिख रहा है, नेवर गिव अप, ब्यूटीफुल ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। यानी आप यानी आप जल्दी से वो मत करो क्योंकि अच्छा वक्त टाइम लेता है। और ये लिखा है क्या, ये लिखा है एम हाई, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड डोंट फॉरगेट बिलीव इन योर सेल्फ। तो ये हमारा थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव करने का है। तो ये हमारी सुबह की शुरुआत है। तो गाइस आप ना अपना करते हो वेलकम वाला, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी आतिफा, तो स्वागत है आपका मिस्टर शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे। जैसे कि मैंने हमेशा हमारे चैनल पर मिलेगा नया 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 और नया। तो नया देखना तो क्या करना, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा वाला कमेंट और जो भी आए वो भी कर दीजिए सर का, क्योंकि हमसे प्यार देते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे, हमें आपके मिस्टर शेख खान। तो गाइस आप भी बहुत बेकार लग रही हूँ, पर कोई बात नहीं, अपने आप को खूबसूरत करूँगी बिकॉज मैं आ जाऊँगी शूट करने। इस वजह से मैं इतनी एक्टिव हो रही हूँ क्योंकि घर में बहुत सारा काम है, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन फोन टूट रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, एक फोन टूटता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरी सिस्टर का फोन टूटा तो मेरा वाला फ़ोन ये यूज़ करी, ठीक है। तो मेरा जैसे शादी से, आपको पता है कि शादी से पहले जो मेरा पहले मैं यूज़ करती थी, जो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था, उससे पहले जो मैं फ़ोन यूज़ करती थी वो भी चकनाचूर हो गया। कल मुझसे पता नहीं कैसे मैं अरफान को ले रही थी और उसमें अभी मेरा सिम पड़ा हुआ है। अरफान को ले रही थी, अरफान के हाथ से ही ये गिरा, मतलब अरफान को लेते हुए आपको पता नहीं दिखाई दे रहा, ये पूरा बैग गया और ये पूरा फ्रंट गया और बिल्कुल भी ये, मैं जला के दिखा देती हूँ, साइड के बटन दबा रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो खैर कोई बात नहीं, इसमें मैं कहते कि ये भी कुछ मैं पॉजिटिव और हमारी पूरी फैमिली पॉजिटिव लेके चल रही, बिकॉज क्या पता अच्छी शुरुआत जब आती है, यानी अच्छी वक्त आने वाला होता तो बहुत सारी तकलीफ होती है। तो यही हम दोनों बहनें और अपनी पूरी फैमिली मान के चल रहे हैं कि अच्छी शुरुआत होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। दो तीन फ़ोन टूटे तो क्या हुआ, ये भी टूट गया, वो भी टूट गया, पता नहीं फ़ोन क्यों टूट रहे हैं, शायद किसी की काली बिल्ली नजर लगी है। कोई बात नहीं गाइस, मेरे को काली नहीं देना क्योंकि यू नो मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ ये बात फैक्ट है कि कुछ अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह ताला, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कभी दूध गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, कभी फलाना गिर रहा है, कभी कांच टूट जा रहा है, कभी फ़ोन टूट जा रहा है, फ़ोन तो सिलसिला ऐसा चल रहा है। बट अल्लाह का ये भी शुक्र है कि हमें फ़ोन की ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा चल जाता है। जैसे कि अभी को पता है कि मेरे वाका भी पहला वाला फ़ोन था जो चटक गया था, उसको आगे का भी वो बनवा लिया, तो मम्मी वाला फ़ोन मुझे देके गई है। ये बहुत पुराना है ओप्पो का, इसका कवर देखो आप, कवर देख के लगा लोगे। तो ये वाला फ़ोन मैं चला रही हूँ और मैं अभी मिस्टर खान के फ़ोन से ब्लॉगिंग शूट कर रही हूँ। और अभी जो भी ये वाला फ़ोन ना 1600 कुछ रुपए का बन जाएगा, तो आज जाके बनवा देंगे इसका, इसका टाउन डाउन आज ख़त्म करेंगे। मैं पर अपनी बहन के फ़ोन पे अपना शूट वगैरह करूँगी। मेरी सिस्टर अभी वहाँ पर बैठी है, मैं भी शक्ल नहीं दिखाऊँगी, बहुत ही बुरी लग रही है, बहुत दिखाती, पर क्या कर रही है वो तो ज़रूर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी सिस्टर चाय पी रही है, ये ब्रेड है, ये रोशन है, आज इसको भी शूट करना है। तुम्हारे साथ क्या हुआ, अपना दुखेड़ा तुम भी बताओ। मैंने सारी डिलीट हो गई, इसकी सारी ड्राफ्ट वाली वीडियो डिलीट हो गई है। वो हैंग हो रहा था फ़ोन, तो इसके भाई ने ऐसा साफ किया कि सारी ड्राफ्ट वाली वीडियो उड़ा दी, इसके पास कुछ भी नहीं, 0/0 हो गया है। अप्पू अभी जीरो रो रहा है, पहले कुत्तू को चुपका देते, ढेर सारे कपड़े हैं जो ऊपर छत पर सुखाने आए हैं। तो गाइस मैं अभी कपड़े पहन चुकी हूँ, मैं पूरी तैयार होके आपको दिखाऊंगी। ये बहुत पुरानी सूट है मेरे, ये जब शादी हुई तब की सूट है, पर बनाया शादी से पहले था मैंने। और आप लोगों का बहुत सारा एक सवाल था, वो सवाल का जवाब आज मैं वीडियो क्लास में ज़रूर दूंगी और आप लोग जरूर देखना है एंड तक। जब पहले मैं तैयार रहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, साढ़े ढाई बजे मेरी सिस्टर को खांसी आ रही है, तो जल्दी पहले तैयार हो जाओ। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और इस तरीके से मैंने लुक किया है, ये आप देख सकते हो। तो मुझे बताना, मैं एकदम सिंपल सी रेडी हुई हूँ, कुछ नहीं, बस ये हाथ की चूड़ी वगैरह पहनी है मैंने और दो चुटियाँ, पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता, मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद है दो चुटियाँ वाली जी अजी की साली वाला सीन है। यहाँ तो बाल देखो कैसे झड़ रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं, रीज़न नहीं समझ में आ रहा। गाइस आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे बताना ज़रूर कि मेरे बाल इतने, मतलब कैसे मैं रोकूं बालों को झड़ने से, तो बताना ज़रूर। और मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगी। तो गाइस मैं इस तरीके से रेडी हूँ, सिंपल सी,
और ये सब चीज का डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी कि मैं कहाँ से सूट लाती हूँ, मांगे पहन रही हूँ, विदाउट मांगे पहन रही हूँ, या कहीं किसी के यहाँ से टक्कर के लिए, सब बाद में पता चलेगा। पर ये लुक बताना जरूर कैसा लग रहा है आपको। बेटे ने बोल ए वन। तो मैं चलो अब रेडी हो गई, चाय सिस्टर बना रही है और चाय पीते पीते हम करेंगे शूट। अब आप कहते होंगे यार इतनी सड़ी गर्मी में तुम धूप में वीडियो बना रही हो, बाहर जाकर के भी तुम चाय पीती हो, तो आता माजी से कभी बिना चाय पिए किक नहीं आता है ना मेरे को मेरी सिस्टर को। अब मैं कॉफी से चाय। हाँ आज मेरी बहन शूट नहीं करेगी बिकॉज मैं उसके फोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो उसको टाइम चाहिए होगा और कल वो करेगी, आज मैं तो बारी बारी चल रहा हूँ। तो गाइस हम लोग शूट वगैरह करके आ चुके थे और बहुत जोर की लग रही थी भूख, तो आज मैंने सिंपल सा सब्जी बनाया, तो मैंने पहले ही सब्जी ऐड कर दी थी, मतलब थोड़ी बहुत सब प्याज वगैरह भून लिया था, उसके बाद मैं अब वीडियो शूट करने लगी, मेरा दिमाग आजकल काम नहीं कर रहा, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ 3 मीडियम साइज के क्या बोलते हैं छोटे छोटे मतलब बिल्कुल छोटे छोटे बारीक वाले प्याज लिए थे, 3 मिर्ची ली थी, बस उसी को ही डाला, तेल गर्म हुआ और वही डाल के फ्राई किया, वैसे ही मैंने इसमें कटे हुए बैंगन और आलू ऐड कर दिया और इसको अच्छे से भूनूंगी। तो गाइस बिल्कुल सिंपल मैं खाना बनाती हूँ, मैंने हमेशा कहा मेरे खाना ना एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी खा के। तो ये बैंगन जितने भी है उसको छोटे छोटे मैंने पीस इस तरीके से कर लिए थे, पर मेरे ससुराल में ना इसका जो छिलका ना उतार लेते हैं बैंगन का, और सबका अलग अलग टेक्निक होता है, तो मैं ना कभी छिलका उतार लेती हूँ और कभी मैं बिल्कुल नहीं उतारती। तो यहाँ पे मैंने आलू, मेरे आलू मतलब घर में बहुत कम थे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं बैंगन में एडजस्ट हो जाएंगे, हम 3 ही लोग होते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं भूनूंगी, तो मैंने पहले ना फ़ोन साइड में रख करके, क्योंकि दो चीज़ नहीं पकड़ सकती एक साथ में, तो फ़ोन साइड में रख करके मैंने इसमें मसाले में ऐड किया सिर्फ नमक हल्दी और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, बस उसको ऐड करके अच्छे से इसको चलाऊंगी और धीमी आंच पे ही इसको पकाऊंगी। गाइस मेरे सारे खाने ना धीमी आँच में ही पकते हैं और इसके अलावा मैं कोई मसाला नहीं डालूंगी, सिर्फ 3 इसमें हरी मिर्च डाली है, ना ही मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड किया ना कुछ ऐड किया है, सिर्फ हल्दी और नमक, बस वो धीमी आँच में पकाते रहना और बिल्कुल जब तक आलू गल जाए और बैंगन बिल्कुल हो जाए तब खाना। तो गाइज़ ये अगले दिन यानी नेक्स्ट दिन का वीडियो था, बैंगन आलू की सब्जी तो बस बनी और सटक सटक खा गए, पता नहीं चला कब क्या है, तो मतलब ये आज का ही ब्लॉग है। तो मैंने थोड़ी बहुत शूट किया था आज, मेरी सिस्टर ने दाल चावल आलू चोखा बनाया था, यार क्या बनाया था मैं क्या बताऊँ आपको। तो गाइज़ मेरा हस्बैंड जी जो है मम्मी घर से आए सामान वगैरह लेकर के। हाँ तो गाइज़ आप लोगों का सवाल था, अब मैं बिल्कुल फारिग हो चुकी हूँ सब कुछ से, यानी कि शूट वगैरह घर के काम वाम खाना पीना, काम तो मैं नहीं करती बट खाना पीने के बाद फारिग हो चुकी हूँ मैं। हाँ तो क्या सवाल था आप लोगों का कि ये सूट कहाँ से लेकर के आती हूँ मैं, कहाँ से मांग के लाती हूँ, ये सूट किसका है, किधर से लिया? तो मैं बता देती हूँ, जो रेड वाला सूट है वो मैंने मदनगिरी से लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, वो मदनगिरी मार्केट से लिया था, वो शायद 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना पहले ही लिया था, ठीक है, वो ट्रेंडिंग में चल रहा था। हाँ और बाकी जितने भी सूट हैं वो मेरी शादी के टाइम के सूट हैं, जब मेरी शादी थी तब मेरे इधर वाले घर से यानी मेरे मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से जो भी मिले थे वही, पर ज़्यादातर तो मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से एक आध होंगे, बाकी ज़्यादातर तो मायके की तरफ से ही है। तो वो सारे सूट तब के थे, और आपको पता है कि जब मैं घर पे रहती हूँ तो मैं सूट कम पहनती हूँ, टी शर्ट और लोअर ज़्यादा पहन के रहती हूँ घर के टाइम पे, क्योंकि घर पे रहना कहीं जाना नहीं है, और सूट तभी पहनती हूँ जब मैं ससुराल वगैरह जाती हूँ, वहीं पे ही ज़्यादातर पहनती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस, यहाँ इतना वो नहीं है बट वहाँ पे बहुत कायदे से रहना पड़ता है हमें, और ये कोई इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मेरी दिल की तसल्ली में खुद से रहती हूँ। हाँ तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा ये सूट मैंने किसी से मांग के नहीं लिया ना ही वो। हाँ अभी पहले बीच में मैं थोड़ी सी पतली हो गई थी क्योंकि मैं डाइट कर रही थी, फिर मैंने डाइट इसलिए छोड़ दिया, मैं वापस मोटी हो रही हूँ बिकॉज अरफान बाहर का अभी कुछ भी नहीं खा रहा, अब वो फीड ही कर रहा है, वो मेरा ही अब जो भी है। तो मम्मी कहती है कि जो भी तुम अभी खाओगी वो तो मेरे बच्चे के लगेगा, क्योंकि अभी अरफान ने बाहर का तो छोड़ दो कुछ भी, बाहर का तो वैसे मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, मतलब घर का जो भी हम दाल चावल कुछ भी बनाते थे दलिया वगैरह थोड़ा बहुत वो चख लेता था, वो भी अब उसने बिल्कुल छोड़ दिया, तो वो भी बिल्कुल एक हिसाब से मेरे पर ही पूरा डिपेंड है, यानी फीड वगैरह वही वही करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वो मैंने कहा कि तुम ना मतलब खाना पीना छोड़ दोगी और दोपहर का तुम खाते हो रात को नहीं खाओगे तो इसके वजह से तुम्हें पता आगे बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो तुम अभी डाइट छोड़ो जब तक अरफान थोड़ा बहुत खाने ना लग जाए तब तक। तो मैंने कहा ओके, तो फिर मैंने जो है डाइट छोड़ दिया, अभी मैं वापस मोटी हो रही हूँ।
तो कपड़े लूज की वजह से आप लोगों को लग रहे होंगे कि ये कहीं और का या किसी और का, बट ऐसा कुछ नहीं है। शादी के टाइम पे मैं बहुत थोड़ी सी नॉर्मल थी, शादी के बाद जब अरफान पेट में आया उसके बाद भी नॉर्मल, जब अरफान हो चुका था यानी मेरी डिलीवरी के बाद मैं थोड़ा सा मैं मोटी हुई, थोड़ा नहीं बहुत मोटी हुई, तो फिर जो है सूट मेरे सारे टाइट हो गए थे। और अब जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी सी बीच में पतली हुई थी तो वापस सूट आने लग गए थे, पेट से सारे ढीले हो गए थे, बट अभी मुझे फिर से टाइट आने लग गए। तो मैंने सोचा था सूट वगैरह में, सूट वगैरह जो भी मेरे पास है अभी फ़िलहाल के लिए तो उसी में करती हूँ, जो जैसे को जैसा मेरे पास सूट है सब कुछ है मैं उसी में करती हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब कहीं और से ला रही हूँ, मतलब लोगों के कमेंट पढ़ के ना मुझे खुद ही अजीब लगता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ों की कोई कमी नहीं है, कपड़े मेरे पास है क्योंकि शादी से लेकर अब तक मेरे पास बहुत सूट है, और यहाँ तक के जैसे कि देना लेना भी होता उसके भी सूट बहुत सारे पड़े हुए थे अब। बट हाँ, जो भी जितना भी मैं पहन चुकी हूँ और थोड़ा बहुत रह गया होगा पहनने के लिए, वो भी शूट में आ जाएगा धीरे धीरे। अब मेरे पास कोई फिर इसके बाद कपड़े नहीं होंगे, उसके बाद मैं लूँगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा न्यू लुक लेकर के आऊँगी, क्या लेकर के आऊँगी वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं जितना एक्टिव हूँ जितना चीज़ कर रही हूँ मैं आपको सबको बता रही हूँ। और कुछ लोग सोचते होंगे यार ये लड़की जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे बारे में सोच सोच करके आगे बढ़ रहे, तो एक्सक्यूज़ मी बतख हमारी दुनिया बहुत कुछ आगे बढ़ रही है। और मेरी सिस्टर ने एक बात सही कहा था कि हमें छोटे लोगों से जंग नहीं है हमारी, बहुत बड़े बड़े लोगों से जंग है हमारी, तो अभी हम उससे लड़ना चाहते हैं, जैसे कि कटरीना कैफ, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, जैसे कि बहुत से अंबानी, उनसे लड़ाई है हमारी, हमारी बतख जैसी मुँह वालों की से लड़ाई नहीं है हमारी, हमारी तो बहुत बड़े बड़े लोगों से लड़ाई है, देना ही है। तो खैर मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं करना, हाँ मैं बस मैं आगा कर रही हूँ कि आगे बढ़ो भाई, बहुत चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आगे देखो बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। नहीं मैं बता देती हूँ क्या होता है, रीजन ही हो गया कि अपन तो देखो राजा बन के वापस राजा के समान थोड़ा गरीब हो गया, और कुछ लोग अभी जो थोड़ा सा पैसा है ना ये बारिश के मैटर के पहली बारिश के मैटर के बौखला जाते हैं, जो जिसने घमंड नहीं किया अल्लाह ने उससे छीन लिया, और जिसने घमंड किया उसका क्या होगा। सही बात है, जिसने घमंड आज तक हुई तो क्या, जिसने घमंड नहीं किया उसका छीना गया है, और जिसने घमंड किया उसका साथ क्या होगा। चलो खैर मुझे किसी को नहीं, बट मैं बता देती हूँ बत्तख से मुँह के कि हमारी लड़ाई सच में अंबानी से है और प्रियंका चोपड़ा से है, कटरीना कैफ से है, बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं, तो कहीं आप मैटर भी नहीं करते, तो प्लीज़ हमारा जो रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, अपनी जगह जगह शिट जो फैला रखी है वो साफ करिए, और अपनी गंदी सोच को दूर रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे बढ़ गए। तो गाइस आपका चीज़ क्लियर हो गया और मेरा भी चीज़ क्लियर हो गया, तो फिर से आऊँगी तड़कता भड़कता वीडियो लेकर के और कुछ नई नई चीज़ें लेकर के। अभी तो बहुत कुछ नया आने वाला है इंशाल्लाह ताला, और मेरी सिस्टर के ब्लॉग में भी देखना बहुत कुछ नया आने वाला है, तो आपको आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे, पर मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ चीज़ें देख देख के। अभी फ़ोन आ रहा है तो फिर से आते हैं अपने नए से नई कुछ लेकर के, तो मिलते हैं तब तक के लिए, टाटा बाय बाय।